ये उड़ीसा का बिगेस्ट मॉल है, सारा जितना सर्किट से बनाया। व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अब सुबह के 6:48 हो गए, तो एक्चुअली क्या अभी सुबह से हमको एक निकलना है साइट विजिट के लिए। तो अभी क्लाइंट का साइट विजिट भी करना है, तो उनका सारा घर का इंटीरियर काम होने वाला है, तो उसका भी मेजरमेंट लेने वाला हूँ। और उसका घर का प्लानिंग भी कुछ नहीं बना है, तो घर का प्लान और सारा डिजाइन भी बनाने वाले हैं। तो जल्दी मैं फ्रेश होता हूँ, फिर तैयार होके अब हम निकलते हैं साइट विजिट के लिए। अभी हम निकल गए, एक्चुअली क्या है तो आज थोड़ा लेट हो गया, और जैसे घर का काम चल रहा था तो इसलिए सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तो कुछ टूटी प्लान वगैरह था तो वो, और टैप भी, मेजरिंग टैप भी जो लेके जाने था वो सर एक्चुअली नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ गया। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके सीधे आ गया हूँ, अभी अंजर को पिकअप करूंगा, हम लोग दोनों ही जाने वाले हैं। अभी जैसे अभी हम लोग दोनों चलते हैं और फिर डायरेक्ट वहाँ पे मेजरिंग लेके फिर आज सोचते हैं, जैसे ही काम खत्म होता है फिर कहीं पे ट्रिप मारेंगे। तो ये अभी अंजर आ गया, तो चलिए फिर गाइस अभी हम चलते हैं। और वैसे भी लेट हो गया, अब टाइम 10 भी और टाइम अभी 10 भी बजने वाले हैं। और गाइस अब तक हम 50 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, यहाँ पे पानी वानी पी के यहाँ फ्रेश होके अभी निकलते हैं डायरेक्ट, और कहीं भी स्टॉपेज नहीं लेने वाले, सीधे जाके इंशाल्लाह यहीं रुकेंगे। और गाइस जब हम आगे पहुंच गए साइट पे, तो ये रहा कलम बी में सारा बन गए। तो यहाँ पे अभी क्या है, मैंने का प्लान नहीं बना है, तो जो कि अभी हम प्लान बनाने वाले हैं यहाँ का। ये रहा फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनेगा, एक बार मैं सारा सही से मेजरमेंट ले लेता हूँ। अभी हमारा काम खत्म हो चुका है और सारा मेजरमेंट लेके आ गए, और आज सडनली जब हम क्लाइंट के पास पहुंचे तब अचानक से मेरा फोन भी हैंग हो गया था, तो इसीलिए क्लाइंट के पास जाकर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए फिर गाइस अभी यहाँ पे काम खत्म हो गया, तो अभी मैं कहीं पे देखकर नमाज पढ़ लेता हूँ, नमाज पढ़ के फिर अभी लंच करेंगे, लंच करके फिर आज का कुछ प्लान बनाते हैं। तो अभी तो बस 2:10 ही हो रहा है, अभी हमको बहुत तेज वाला भूख लग रहा है, तो अभी कहीं पे अभी नहीं गए, तो टाइम अभी 3 भी बज गए। यहाँ पे अभी NH पे हम लोग जा रहे हैं, इसलिए होटल नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं अभी कोई एक अच्छा लोकेशन देखे फिर खाने के लिए चलते हैं। तो अभी कटक सिटी के अंदर हम एंट्री किए और फाइनली एक होटल हमको अभी मिला। तो अभी ये देखिए बहुत क्रिटिकल रोड है, तो यहाँ पे भी हमको जाना है। उधर देख चल, तो ये एक अभी हमको होटल मिला है, जो कि अभी हम यहाँ पे चलते हैं खाने के लिए। भूख भी वैसे बहुत तेज वाला लग रहा है, सर भी बहुत तेज का दुख रहा है भूख से, तो चलिए फिर आज हम लंच यहीं पे करेंगे, पहले देखते हैं। एक्चुअली अभी 3:30 भी होने जा रहा है, तो खाना है अवेलेबल है या नहीं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फिर अब हम लंच करने चलते हैं। अब हमारा ये आ गया वेज मील, यहाँ पे देखिए कई किस्म का सब्जी है, तो अच्छा का एक्चुअली बहुत डिलीशियस खाना होने वाला है। तो चलिए फिर अभी खाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लंच तो कर लें, और अभी एक्चुअली क्या है खाने के बाद तो अभी थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है, बट अगर अभी हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे तो, और बाकी आज का सारा प्लान एक्चुअली हम लोग कुछ प्लान बनाए इस प्लैनेट चलने के लिए, यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं तो इस प्लैनेट आज नहीं जा सकते। तो चलिए फिर जितनी जल्दी होता हम यहाँ से निकलते हैं। और गाइस अब हम आके पहुँच गए रसूलगढ़ पे, तो अभी जस्ट अंदर ही हम जा रहे हैं। तो चलिए फिर अब इस प्लैनेट भी आ गए, ये देखिए इस प्लैनेट दिख रहा है, तो अब हम वहाँ चलते हैं। और गाइस अभी इतना भी रस नहीं, ये एक्चुअली ये जो प्लेस है हमेशा रस होता था, तो अभी आज ये फ्री है। एक्चुअली ये शाम के वक्त पूरा रस होता था, आज वैसे ही मंडे है तो संडे में पूरा रस होता है, मंडे इसलिए शायद फ्री है। तो चलिए अभी हम इस प्लैनेट चलते हैं और यहीं से आगे से राइट टर्न लेने वाले हैं। मैं चलिए फिर मैं आपको इस प्लैनेट का एंट्रेंस का भी व्यूज दिखाता हूँ। एक्चुअली उड़ीसा का बिगेस्ट मॉल है इस प्लैनेट। और गाइस अब हम इस प्लैनेट में एंट्री कर रहे हैं, और ये देखिए कितना बड़ा मॉल है, ये उड़ीसा का बिगेस्ट मॉल इस प्लैनेट वन। तो चलिए फिर गाइस अभी मैं कार पार्क कर लेता हूँ,
फिर उसके बाद मैं आपको अंदर का व्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाया था, देखिए स्प्लेंडर कैसे लग रहा है, पूरा ख़तरनाक लग रहा है, पूरा व्यूज़ देखिए कैसे लग रहा है। तो पहले भी हम कार पार्क कर लेते हैं अपना। और यहाँ पे अभी चेकिंग चल रहा है तो मैं अपना कार को भी चेक कर लेता हूँ। अभी हम आ गए हैं पार्किंग पे, तो अपना कार यहाँ पे पार्क कर लेते हैं, फिर देखते हैं एक अच्छा सा लोकेशन कहाँ पे गाड़ी पार्क कर लूँ। ये पूरा पैक है। और गाइस इसी एक्चुअली आज मंडे भी पूरा पैक है। मेरे को लगा था कि मंडे में सारा भी इतना पैक नहीं होगा, तो ये पूरा पैक है अभी। तो मैं देखता हूँ एक अच्छा प्लेस कहीं पे कार पार्क कर लेता हूँ पहले। और गाइस अभी हम अपना गाड़ी पार्क कर लिए, तो अब हम सीधे अंदर चलते हैं। और ये रहा एंट्रेंस, तो अब हम यहाँ से सीधा, अभी एक्चुअली वो भी था एंट्रेंस, अब हम ये जैसे कि नीचे भी गाड़ी पार्क किए हैं, तो अब यहाँ से अभी जाने वाले ऊपर। और गाइस अभी एक्चुअली हम मेरा ये खेलने का दिल था ये वाला, तो बट अभी तस्दीक नहीं आया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तस्दीक आए, फिर तस्दीक का मेरा एक बार आएंगे, फिर अभी हम ये गेम भी खेलने वाले हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया गेम है, ये रहा पूरा ये गेम जो नेस्प्लानेट का। तो गाइस अभी मेरा आज तो खेलने का बहुत ही मन है, बट तस्दीक नहीं है इसलिए मैं कुछ भी ट्रायल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार तस्दीक आ जाए फिर हम गेम खेलेंगे, यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। जब हम यहाँ की गेम खेलेंगे तब का मैं एक और एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा। और ये देखिए पूरा गेम जोन है, बहुत ही बड़ा गेम जोन है। तो चलिए फिर गाइस कुछ अभी नीचे चलते हैं। तो फाइनली आज एक्सीडेंट उठने वाला है, और तेज और ये आज टूटने वाला ही है एक्सीडेंट। और गाइस ये देखिए पूरा एक गाय का सर पूरा बना है, कीबोर्ड स्पीकर मोबाइल के डिस्प्ले और सारा जितना सर्किट से बनाया है। ये देखिए कीबोर्ड, ये रहा मोबाइल का डिस्प्ले, ये रहा स्पीकर, और ये रहा सीसीटीवी का कैमरा, गाय का जो आँख है ये सीसीटीवी कैमरा भी बना हुआ है। और ये देखिए उसका सर पे कीबोर्ड से बना हुआ है, ये देखिए सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से ही बना हुआ है। ये देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सारा उसका सर पूरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से ही बना हुआ है। ये देखिए सर मैं आपको इसका फ्रंट व्यूज दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उसका सामने का जो दो स्पीकर लगा हुआ है, उसके नोज पार्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दो भी सीसीटीवी कैमरा पे दो उसका आँख बना हुआ है, ये देखिए ये दो भी इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है। और गाइस ये देखिए अभी उसका ईयर के उसके कान में कैसे कीबोर्ड को बस साइज करके लगाएं, उसका कान को देखिए, उसका ईयर पार्ट को देखिए कि कैसे कीबोर्ड में उसको ये एडजस्ट किया गया है। और गाइस अभी सीधे हम घर चलते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा गेम पार्ट, गेम जोन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए फिर गाइस, और अभी तस्दीक का मेरा जब आएंगे फिर गेम जोन ट्राई करेंगे, तो सीधे ही मैं चलता हूँ पार्क में। और गाइस बाकी हम अभी मॉल से नीचे आ गए पार्किंग पे, और मेरा कुछ काम था जितने क्लाइंट का भी साइट का काम लेकर आए थे, तो अभी सारा इसमें नोट डाउन कर लेते हैं, तो अभी मैं ये सारा ऑफिस में सेंड करने वाला हूँ। और गाइस क्या है अभी, तो अभी चलते फिर सीधे घर, आज बहुत टायर्ड हो गए, बहुत दूरी आज हम लोग गए थे साइट विजिट में। तो जल्दी फिर गाइस आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अभी हम सीधे घर चलते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्चुअली जो गेम जोन में आपको दिखाया हूँ मेरे तस्दीक का भी आएंगे, फिर उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस वेट कीजिए, मैं अभी 2-3 रोज में फिर ये गेम जोन आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था इतना, मैं पहले आया हुआ था मेरे को पता नहीं था, बट अभी बहुत सारा डेवलप हो गया, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तस्दीक का मेरा आएंगे तो मिलके फिर खेलेंगे, वो भी एंजॉय करेंगे, उसका वीडियो उसके लिए वेट कीजिए। जैसे भी हम वापस से मिलते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपने खेले अपने फैमिली से खेले के वीडियो सुन इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन गुड बाय। With every breath I take, every beat
beating of my heart. In word and silence, let there be peace upon you.